देख लीजिए, खबर निकल कर आई है। तो इस तरीके से बैठ कर चल रहे हैं, प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। जालौन से ये खबर है। जालौन में भी आपको बता दें, यहाँ पर प्रशिक्षण को संबोधित किया गया है। देख रहे हैं, निगरानी की जाएगी आपको बता दें ऐप के माध्यम से। और ये खबर उसी संबंध में जो है निकली हुई है। और ऐप के माध्यम से जो निगरानी होगी, इसके बारे में क्या क्या अपडेट आई है वो आपको बता देते हैं। दरअसल ये खबर आप देख रहे हैं, यूपी के जालौन उरई से आंगनबाड़ी केंद्रों के प्रभावी और सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के लिए सहयोग ऐप जो है विकसित किया गया है। इसके क्रियान्वयन के लिए सोमवार को CDO डॉक्टर अभय कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में प्रशिक्षण कार्यक्रम या कार्यशाला जो थी उसका आयोजन किया गया है। इसका शुभारम्भ विकास भवन में किया गया है। प्रशिक्षण कार्यशाला में प्रशिक्षण जो है दिया जा रहा है, जिससे शासन की मंशा के अनुरूप सहयोग ऐप के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों की निगरानी की जा सके और उनमें सुधार लाने का प्रयास किया जाएगा। और देखिए, CDO डॉक्टर अभय कुमार श्रीवास्तव ने कहा है कि विकास कार्यक्रमों में पारदर्शिता लाने के लिए और डिजिटल तकनीक को जो है बढ़ावा देने के लिए ये सब किया जा रहा है। वहीं जिला कार्यक्रम अधिकारी इफ्तिखार अहमद ने कहा है कि ऐप के माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता विभाग के लाभार्थियों को प्रदान की जा रही स्वास्थ्य और पोषण सेवाएँ गुणवत्तापूर्ण तरीके से पहुँचा सकेंगी। ठीक है, तो ये खबर थी जालौन उरई से निकल कर आई। सभी जगह यही नियम लागू होने हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जनपद में। और जिन जनपदों में प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है, बहुत जल्दी उन जनपदों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। आपको हर काम खबर अपडेट आंगनबाड़ी विभाग से जुड़ी हुई मिलती रहेगी। इसी के साथ ही कोई भी प्रतिक्रिया है तो कमेंट बॉक्स में रखिए। नमस्कार।